नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग बहनों ने अपनी बुआ की हत्या कर दी। लड़कियों ने युवती का कत्ल महज इसलिए कर दिया क्योंकि वह उन्हें मोबाइल चलाने से मना करती थी। नाबालिगों ने बुआ को कुल्हाड़ी मारकर मर डाला। घटना रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना इलाके के निरंजनपुर सपनई गाँव का है। पुलिस दोनों नाबालिग लड़कियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक 4 फरवरी को चक्रधर नगर थाना को सूचना मिली कि एक युवती की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो पता चला कि युवती का नाम तुलसी भाट है। 35 साल की युवती की शादी नहीं हुई थी। पुलिस ने बताया कि तुलसी की 2 भतीजियां हैं, एक की उम्र 17 साल और दूसरी की 15 साल है। बड़ी भतीजी अब स्कूल नहीं जाती, उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ये दोनों नाबालिग लड़कियां तुलसी का मोबाइल उठाकर दोस्तों से फोन पर बातें करने लगती थी। इस बात पर बुआ तुलसी उन्हें बहुत डांटती थी। उनसे कहती थी कि फोन का इस्तेमाल कम करो और दोस्तों से ज्यादा बातें मत करो, लेकिन आरोपी लड़कियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 फरवरी को छोटी भतीजी बुआ का फोन लेकर उसे बिना बताए स्कूल चली गई। स्कूल से आने के बाद उसने बड़ी बहन को बुलाया और तालाब पर नहाने चली गई। पुलिस के मुताबिक यहीं दोनों ने बुआ को खत्म करने का प्लान बनाया। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि 3 फरवरी की रात को छोटी भतीजी तुलसी का मोबाइल लेकर पढ़ रही थी। तुलसी ने जैसे ही ये देखा तो उसने बवाल मचा दिया। उसने भतीजी से कहा कि फिर तूने मना करने के बाद भी, उसने छोटी भतीजी को बुरा भला कहा और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सभी खाना खाकर सो गए। छोटी भतीजी रात 12 बजे उठ गई। वह रात करीब 2 बजे तुलसी के कमरे में गई। जब उसने देखा कि वह गहरी नींद में है तो टंगिया ले आई और तुलसी के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। तुलसी की चीख सुनकर बड़ी भतीजी भी उठ गई। उसे देखकर छोटी ने फिर तुलसी पर कई वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN News।